लिख कर ले लीजिए, चीन का अंतिम वक्त आ चुका है। प्लान ऐसा तैयार हुआ है कि जिनपिंग के प्रेसिडेंट हाउस में खलबली मची हुई है। बीजिंग में चाइनीज पीएलए टेंशन में डूब गई है। अब की बार चीन पर ऐसा प्रचंड प्रहार होगा जो आखिरी होगा और भविष्य में चीन फिर कभी युद्ध की हिमाकत नहीं करेगा। खबर है कि चीनी सेना भारत पर न्यूक्लियर अटैक की साजिश रच रही है, लेकिन पीएम मोदी के दिमाग में चीन के इस न्यूक्लियर साजिश का जबरदस्त तोड़ आ गया है। पीएम मोदी ने चाइनीज मक्कारी को पहले ही भांप लिया था, इसलिए भारत ने भी न्यूक्लियर साइट को एक्टिवेट कर दिया है। भारत की हमेशा पॉलिसी रही है, पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमला कर देता है तो फिर भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। ऐसे में चीन ने अगर हिंदुस्तान पर हमले की एटमी साजिश की तो चीन बच नहीं पाएगा। चीन को अभी पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान का एटमी गोदाम फुल है और एक्टिवेट मोड में है। उसमें चीन की बर्बादी का इतना सामान भरा है कि भारत चाह ले तो चीन का वजूद मिटा सकता है। अब जरा यह भी देख लीजिए कि चाइना ने भारत पर एटमी हमला किया तो भारत के सामने वो कितने दिनों तक टिक पाएगा। भारत के पास इस वक्त 8 ऐसे हथियार हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें से 2 हथियार ऐसे हैं जिनसे हवा से हमला किया जा सकता है। जमीन से हमला करने वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है और समंदर से मार करने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इंडिया को जल्द ही 3 नए एटमी हथियार भी मिलने वाले हैं। भारत के मिराज 2000H और जैगवार जैसे फाइटर जेट सीधे बीजिंग में न्यूक्लियर बम दाग सकते हैं। वायुसेना के बड़े बेड़े में राफेल के शामिल होने के बाद ताकत और बढ़ जाएगी। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर मारक क्षमता रखता है, 1000 टन न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकता है। यानी अगर यह मिसाइल एक्टिवेट हुआ तो बीजिंग नेस्तनाबूद हो जाएगा। भारत के पास समंदर में युद्धपोत से हमला करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल K4 भी है। चीन के पास भारत से ज्यादा परमाणु बम है, तो भारत चीन के परमाणु बमों का जवाब कैसे देगा, एक नजर उसे भी देखिए। भारत के पास तकरीबन 150 से 200 एटम बम है, जबकि चीन के पास 290 से ज्यादा। लेकिन इस बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास 2600 परमाणु बम बनाने का सामान मौजूद है। यानी अमेरिका और रूस के बाद परमाणु बम बनाने का सबसे ज्यादा सामान भारत के पास है और भारत तीसरे नंबर पर है। भारत के साथ इस वक्त दुनिया खड़ी है, क्योंकि भारत ने दुनिया के कई मंचों पर चीन के विस्तारवाद को एक्सपोज कर दिया है। 2017 के बाद से ही, यानी डोकलाम विवाद के बाद से ही, इंडिया ने अपनी युद्ध नीति का फोकस पाकिस्तान से हटाकर चीन की तरफ कर लिया और इसी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी के तहत चीन का काल बन सकता है भारत।